नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद दिखाएंगे जिले की हर छोटी बड़ी खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को गिरफ्तार किए जाने के बाद शाहजहांपुर के किसानों में भी दिखा गुस्सा। बंडा पुबाया सहित जिले के कई थानों में किसानों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हनुमत धाम पर तिरंगा परिक्रमा और सामूहिक हनुमान चालीसा का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए स्वयंसेवक। जलालाबाद के गुनारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, दो लोग घायल। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। और मिर्जापुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रक पेड़ से टकराया। फरुखाबाद मुरादाबाद स्टेट हाईवे की घटना, ट्रक का कैबिन तोड़कर चालक को बामुश्किल बाहर निकाला गया। जलालाबाद के गुनारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हुए हैं। घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। शाहजहांपुर पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 47 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से अवैध शस्त्र, कच्ची शराब और नकदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशों पर सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाया गया था। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में फरुखाबाद मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। हादसा तारापुर गांव के पास का है, जब ट्रक चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और ट्रक पेड़ से जा टकराया। इस दौरान ट्रक चालक ट्रक के केबिन में ही फंस गया, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी मदद से केबिन को तोड़ा गया। वहीं पुलिस ने चालक को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा राकेश टिकैत को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुबाया में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अनिल सिंह यादव के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। अचानक से किसानों के थाने में घुसने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालांकि बाद में जब राकेश टिकैत की रिहाई दिल्ली पुलिस ने कर दी, उसके बाद ही किसान शांत हुए। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। आज समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने सदस्यता अभियान के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सपा नेता तनवीर खान का कहना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। जलालाबाद क्षेत्र के खंडर गांव में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अखंड भारत संकल्प का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री रामजीत तिवारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखंड भारत बनाने के लिए हमको दोबारा बलिदान, त्याग और तपस्या करनी होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में बंडा में भी किसान गुस्से में नजर आए। यहां किसान नेता मंजीत सिंह के नेतृत्व में किसान थाने पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन भी बंडा थाना अध्यक्ष को सौंपा गया। किसान नेता मंजीत सिंह का कहना है कि अगर किसी भी किसान को सरकार द्वारा बेवजह परेशान किया गया तो किसान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाहजहांपुर द्वारा हनुमत धाम पर तिरंगा परिक्रमा और सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हनुमत धाम पहुंचे और हनुमान जी की प्रतिमा का परिक्रमा करके वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शाहजहांपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सुशील बाबू गुप्ता, राजीव राठौर, उत्कर्ष गुप्ता सहित कई महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं।